Hi, this video we will discuss the relation between maximum height and time of flight for a projectile. देखिए यहाँ पर आप realize करिए कि maximum height और time of flight दोनों के दोनों जो है projectile motion में केवल y direction के motion पर depend करते हैं. आपने notice किया होगा दोनों time of flight और maximum height दोनों का जो formula है उसमें u sin theta वाला term आता है जो कि आपकी initial velocity का y component है. ऐसा इसलिए है because recall करिए कि time of flight को derive किया जाता है using the condition delta y displacement in y direction is zero, जबकि maximum height को derive किया जाता है using the condition vy final velocity in y direction equal to zero. In any case, क्योंकि दोनों केवल y direction के motion पर dependent हैं, तो हम इन दोनों के बीच में भी relation निकाल सकते हैं. देखिए पहले time of flight t equals to u sin theta by g. यहाँ से आप u sin theta की value लगा लीजिए time of flight के terms में gt by 2. Maximum height आपको पता है u sin theta का whole square by 2g होता है. अब ये u sin theta वाली term जो है time of flight के terms में कि जो वैल्यू है टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म्स में इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट के लिए आपके पास आ जाएगा gt by 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2g. इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम हाइट h इक्वल्स 1/8 gt स्क्वायर. चलिए इस कांसेप्ट पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, टिपिकल प्रोजेक्टाइल मोशन. ab और cd दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में हाइट डिफरेंस है स्मॉल h. आपको गिवन है ए से लेके बी तक जाने का टाइम है टी वन, सी से लेके बी तक जाने का टाइम है टी टू. आपको प्रूव करना है ये आइडेंटिटी दैट जी विल बी इक्वल टू एट एच डिवाइड बाय टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर. अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर मेरा सोल्यूशन देख सकते हैं. तो चलिए डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को. देखिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है ओरिजिनली मैंने ऑलरेडी नीचे छोड़ दिया, सोल्यूशन मैं ऊपर लिख रहा हूँ. तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से, आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ए से लेके बी तक जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सी से लेके डी तक भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है. आप ए से लेके बी तक एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन मान लीजिए जिसके लिए मैक्सिमम हाइट है आपकी एच वन. सिमिलरली सी से लेके डी तक एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन मान लीजिए जिसके लिए मैक्सिमम हाइट है एच टू. ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन इसको आप ऐसे मान सकते हैं बिकॉज रियलाइज करिए कि ए से लेके बी तक जब आप जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन जो है जीरो हो जाएगी. और कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ऐसा ही करते हैं, हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे गिर गया तो y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है. इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन की कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे फॉर्मूले जो है मैं a से लेके b तक इस प्रोजेक्टाइल मोशन पे अप्लाई कर सकता हूं और c से लेके d तक भी अप्लाई कर सकता हूं. अब अपने को पता है a से लेके b तक टाइम ऑफ फ्लाइट है टी वन, मैक्सिमम हाइट मैंने माना हुआ है यहाँ पे एच वन. मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के बीच में रिलेशन यूज करिए तो आप बोल सकते हैं एच वन विल बी 1/8 जी टी वन स्क्वायर. आपने रियलाइज कर लिया होगा. सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ फॉर द स्मॉलर प्रोजेक्टाइल एच टू, एच टू विल बी इक्वल टू 1/8 जी टी टू स्क्वायर. आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ए बी और सी डी के बीच का जो हाइट डिफरेंस है स्मॉल एच, दैट इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मैक्सिमम हाइट्स. यानी कि मैं बोल सकता हूँ स्मॉल एच इज एच वन माइनस एच टू. एच वन और एच टू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपके पास आएगा ये इक्वेशन जहां से आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी आपका प्रूव हो जाएगा जी विल बी इक्वल टू 8h डिवाइड बाय टी वन स्क्वायर माइनस टी टू स्क्वायर. हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज और आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड. अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.